केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे के दीक्षांत समारोह को आज संबोधित किया। इस अवसर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने छात्रों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रदान की, साथ ही अपनी छात्र से राजनीति के बड़े पद तक पहुंचने की यात्रा का भी जिक्र किया। चांसलर डीपीयू डॉक्टर पीडी पाटिल, प्रो वाइस चांसलर डीपीयू डॉक्टर भाग्यश्री पी पाटिल, डॉक्टर अभय फिरोदिया चेयरमैन फोर्स मोटर्स लिमिटेड पुणे, श्री प्रताप राव पवार चेयरमैन सकाल मीडिया ग्रुप पुणे, डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा प्रो वाइस चांसलर एंड चीफ एडवाइजर डाटा मेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर, मैं इस मंच के माध्यम से भी आप तीनों को अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूं जिनको कि आज डीएससी और डीलिट की उपाधि दी गई है। आज आप सबके बीच आकर सचमुच मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैंने भी स्वयं एक स्टूडेंट, रिसर्चर और एक टीचर से होते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री तक अपनी यात्रा तय की है, इसलिए एकेडमिक वर्ल्ड से स्वाभाविक रूप से मेरा एक बहुत बड़ा लगाव रहा है। इसलिए जैसे ही मुझे इस विद्यापीठ के आयोजन के बारे में बतलाया गया, सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दी और आज सबके बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जैसे मुझे जानकारी दी गई है कि इस विद्यापीठ द्वारा स्टूडेंट्स को मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, आयुर्वेद, होम्योपैथी, बायोटेक्नोलॉजी और साथ ही बिजनेस मैनेजमेंट जैसे एरियाज में डिग्री प्रदान की गई है। इसके लिए मैं इस विद्यापीठ के सभी फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को रिलेंटलेस एफर्ट्स के लिए तहे दिल बधाई देता हूं। और साथियों, आप लोगों के इन्हीं प्रयासों के चलते इस विद्यापीठ ने पिछले कुछ समय में सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल किया है और मुझे जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 द्वारा इसे A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं इस संस्था को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इसी तरह इंस्टीट्यूशन ने इंडिया में डेंटल कैटेगरी में सेकेंड और मेडिकल कैटेगरी में 19th रैंक और ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 49th रैंक प्राप्त किया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है बल्कि इस इंस्टीट्यूशन की मैं इसे एक शानदार उपलब्धि मानता हूं। और हम सभी के लिए, इस इंस्टीट्यूशन के लिए तो यह गौरव का विषय है ही, लेकिन हम सभी देशवासियों के लिए भी एक गौरव का विषय है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको अपनी बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि मैंने गौर किया कि आज जिन लोगों को डिग्री प्रदान की जा रही है उनमें अधिकांश स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड से हैं। जीवन में स्वास्थ्य और आरोग्य का क्या महत्व होता है इस पर अधिक बात करने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। हमारे यहां माना जाता है जन्म जन्मांतर के जो पुण्य जब संचित होते हैं तब कहीं जाकर जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है, और उसमें भी अगर शरीर स्वस्थ है तो मानिए कि यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। और इसलिए स्वास्थ्य को, निरोग को हमारे यहां पहला सुख माना गया है। पहला सुख निरोगी काया, यह हमारे यहां कहावत है। हमारे उपनिषद भी कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी हमारे समस्त कर्तव्य, हमारे समस्त दायित्व, हमारे सभी धर्म के निर्वाह का साधन यह शरीर ही है। इसलिए इसे स्वस्थ रखना नितांत आवश्यक है। साथियों, मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की पूरी अवधारणा संतुलन की अवधारणा है। एक संतुलन का यह विज्ञान है। दुनिया में चिकित्सा की जितनी भी इस समय उपलब्ध पद्धतियां हैं यह सभी हम मानती हैं कि कोई भी रोग असंतुलन और उसका निदान संतुलन के कारण ही होता है। साथियों, हमारे मन का संतुलन भी हमारे स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। मन के विकार को भी हम बराबर दूर करते रहने की हमें आवश्यकता होती है। लाभ हो या हानि हो, जय हो पराजय हो, हमें जीवन में कभी भी अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। यह मैं सभी अपने स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं। संतुलन को अपना संस्कार बनाकर हमको रखना चाहिए साथियों। और यह सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह बातें बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी गई हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं इस संतुलन को मैंने स्वयं भी अपनी जिंदगी में जीने की कोशिश की है, इसलिए यह बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं राजनीतिक क्षेत्र में होने के बावजूद। साथियों, आपने दुनिया में बहुत सारे उदाहरण देखे हैं और यह भी उदाहरण देखा है कि विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे जटिल कही जाने वाली जो पायलट की ट्रेनिंग होती है, वह पायलट की ट्रेनिंग प्राप्त
करके भी कई ऐसे युवक रहे हैं जिन्होंने हवाई जहाज से लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया और 9/11 की दुखद घटना को उन्होंने अंजाम दिया। 9/11 की दुखद घटना को अंजाम दिया और भारत में भी एक नहीं अनेक ऐसे आतंकवादी घटनाओं में लिप्त युवक हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं। इसको मैं कहना चाहूंगा कि आपको यह ध्यान रखना है, खूब पढ़ लिखने के बाद भी अमेरिका में ट्रेंड पायलट होकर भी कोई 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है, अरबपति खरबपति होकर भी कोई ओसामा बिन लादेन बन सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि कोई न्यूज़पेपर वेंडर होकर तमाम संघर्षों के बावजूद एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।